हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा। आप लोग को होली की बहुत सारी बधाइयाँ। आप लोग खुश रहो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा ये होली का जो फेस्टिवल है आता रहे, ठीक है, और आप लोग हमेशा यूं ही खुश रहो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को कृष्णा से मिला देती हूँ। विष्णु शर्मा एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने वैसे कहा था दीदी कृष्णा को मिलाया करो मेरे से, तो चलिए आप कृष्णा से मिल लीजिए, देखिए इनकी शताना। कृष्णा कृष्णा क्या कृष्णा बोल दो, हेलो कृष्णा, हेलो बोल दो बेटा, हेलो 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 मोना। चलो अच्छा बाय कर दो, सुनो मेरी बात, बाय गला कि नहीं, बाय गला था कि नहीं। देखिए एक पैर में शूज पहने और एक पैर में नहीं पहने, इतनी ठंडी हो रही है, यहाँ पे वेदर बहुत ज्यादा खराब है, और इन्होंने क्या किया ना, सूज निकाल के रख दिया है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हेयर हैक। फर्स्ट हेयर हैक है जो ये स्किन और हेयर दोनों से रिलेटेड है, आपके बालों को कोई डैमेज नहीं करेगा। और अगर हेयर हैक ना जाए और होली पे अगर हेयर की केयर ना की जाए, स्किन की केयर ना की जाए, तो उस चैनल का कोई मतलब नहीं है। तो नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट पे हमारा जो हेयर हैक है वो पहला ये है कि आपके बालों पे अगर कलर लग जाते हैं तो आपके जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने बालों को बचाने के लिए एलोवेरा जेल लेना है, ठीक है, अपने बालों में पहले ही लगाना है। आपको अपने बालों को विदाउट ऑयल नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको होली खेलने से पहले होली का जो कलर होता है उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, आप लोग को पता ही है ना। तो उसको आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है, 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा ही लेना है, ठीक है। और इसको आप अगर यूज़ करते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके जो हेयर होते हैं वो डैमेज भी नहीं होते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब आपको लेना है एलोवेरा जेल। आप यहाँ पर नेचुरल भी ले सकते हो और घर बाहर का भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया 1 टेबल स्पून के करीब एलोवेरा जेल, 1 टेबल स्पून के करीब आपको ग्लिसरीन लेना है और 1 टेबल स्पून के करीब आपको आर्गन ऑयल लेना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद से आपको अपने बालों पे अपनी हेयर लेंथ पे अप्लाई करना है। अरे रुको तो एक मिनट, अप्लाई करने से पहले इसमें 4 टेबल स्पून के करीब आपको पानी ऐड करना है, जिससे आपके जो बाल है वो स्टिकी नहीं लगेंगे, ऑयली नहीं लगेंगे। और शेक करना है और अच्छे से अप्लाई करना है लाइक कंडीशनर, ठीक है, आपका DIY। और उसके बाद से आप होली के लिए बन बना लीजिए, जूड़ा बना लीजिए, अपने हेयर को ओपन भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमने लेयर अपने बालों पर लगाई है वो हमारे हेयर को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी, आपके हेयर को सेफ रखेगी। विश्वास नहीं है तो करके देखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि आपकी स्किन पे जब बहुत सारे कलर लग जाते हैं तो हमारे फेस पे दाने हो जाते हैं, जलन होने लगती है और रिंकल्स पड़ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है होली के 2 से 4 से 5 दिन बाद। और आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं आज बता रही हूँ बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। आपको लेना है यहाँ पर कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च जो हम सब्जी वगैरह में डालते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, गाढ़ी करने के लिए कॉर्न स्टार्च लेना है 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ बता रही हूँ वो स्क्रीन पर आ जाएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मेरी स्किन देखिए, मैंने अपने फेस पर कुछ नहीं लगाया है, अपना DIY सीरम लगाया है, फेस अच्छा होने लगा है मेरा और भी ब्राइट होने लगा है, मेरे हैंड भी क्लीन क्लीन होने लगे हैं, मैंने नेल पेंट नहीं लगाई है कोई भी, लगाऊंगी बाद में। सो गाइस यहाँ पर आपको लेना है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च आपका आता है मार्केट में व्हाइट कलर का होता है, वो लेना है। इसमें आपको डालना है 1 टेबल स्पून के करीब बेसन ग्राम फ्लावर, ठीक है। उसके बाद से आपको इसमें डालना है 1 पिंच के करीब टर्मरिक, वाइल्ड टर्मरिक ले सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। इसको अच्छे से आपको पैक बना अच्छे से मिक्स करना है और अपने फेस पे आपको अपना फेस वॉश करने के बाद, बाथिंग लेने से पहले, शावर लेने से पहले इस पैक को लगाना है अपने फेस पे, क्यूटी क्यूटी फेस पे, ठीक है। और आप इसके बाद इसका जो इफेक्ट होगा वो देखिएगा। बट उससे पहले क्या करना है, आप अगर होली खेलने जा रहे हो, आपको कलर पसंद है, गुलाल पसंद है, रंग पसंद है, कलर पसंद है, तो आप लोग को क्या करना है, उससे पहले होली खेलने से पहले आपने अपने बालों की केयर कर ली, अपने बालों को अच्छा सा एक अपना DIY आपने एक उसको प्रोटेक्ट करने का जो चीज़ें हैं, सीरम है, कंडीशनर आपने अप्लाई कर लिया, जो मैंने आप लोग के साथ में भी फर्स्ट शेयर किया है, जो हमारा फर्स्ट हैक था, ठीक है। आपका थर्ड सेकेंड कर दिया है। थर्ड ये है आपकी स्किन के लिए होली खेलने से पहले अपने फेस पे कलर लगाने से पहले आपको क्या करना है, आप और लेना है 1 टेबल स्पून के करीब एलोवेरा जेल। सेकेंड हमारा है 1 टेबल स्पून के करीब आपको लेना है ऑलिव ऑयल, आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आपका ये जो मैं जैतून का तेल यूज़ करती हूँ वही वाला, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हो जो आपके पास है वो वाला, इसको लेना है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपको इसमें डालना है
थोड़ा सा लेमन एंड सिंचल ऑयल है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लेमन की 2 ड्रॉप्स के करीब इसमें डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और थोड़ा सा लेकर इत्तू सा लेकर के अपने फेस पे अच्छे से लगाना है ऐसे से करके। इससे क्या होगा कि आप जब रंग खेलने जाओगे, कलर खेलने जाओगे, तो आपका जो फेस है वो ग्लोई लगेगा है ना, और आपके फेस पे कोई भी कलर लगेगा, कोई भी गुलाल लगाएगा तो आपके फेस पे डायरेक्ट वो नहीं जाएगा और आपकी स्किन को टच नहीं कर पाएगा, तो आपकी स्किन जो है वो खराब नहीं होएगी और आपके स्किन पे जो कलर है वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, आपके जो पोर्स होंगे वो ऑयल जो होगी हमारी लेयर वो जम जाएगी हमारे फेस पे और हमारा फेस जो है ग्लोई ग्लोई सा लगेगा और जो हमने फेस पे कलर लगाया है केमिकल वाला वो सारी चीजें अंदर तक नहीं जाएगी, तो आपको स्किन की जो प्रॉब्लम है रैशेस की, दाने की, जलन की, वो नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेल, हमारे जो नेल होते हैं ये वाले नेल, तो बहुत से लोगों को क्या है कि बहुत से लोगों को ये अच्छा लगता है कि आप उनके जो नेल है वो लंबे रहें और उनके अंदर कलर ना लगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नेल को आपको अच्छे से विटामिन ई की कैप्सूल रात में एक दिन पहले आपको क्या करना है, हमारा हैक नंबर नेक्स्ट, हमारा हैक ये है कि आपको रात में होली के एक दिन पहले अपने जो नाखून होते हैं, आपके जो नेल होते हैं, इनको अच्छे से मालिश करनी है विटामिन ई की कैप्सूल से, इवियन कैप्सूल आती है उससे मालिश करनी है। ठीक है, मालिश करने के बाद से आपको क्या करना है कि अपने नेल को शार्प करना है, जो भी आप जिससे भी आप नेल को शार्प करते हो उससे आपको यहाँ पर बना देना है, शार्प कर देना है, इसका जो भी सेट आप देते हो, करते हो, जो भी आप शेप करते हो अपने नेल का वो करना है। इससे क्या होगा, खेलोगे या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत सारे काम होते हैं होली के दिन पे, बहुत सारे काम होते हैं, तो आपके जो नेल हैं वो कहीं पर फंसेंगे नहीं, कपड़े में फंसेंगे नहीं, तो इससे आपके जो नेल हैं वो ब्रेकआउट नहीं होंगे और आपके जो नेल हैं उन पर आपको बहुत अच्छा सा एक डार्क कलर का कलर नेल पेंट लगाना है। आप यहाँ पर नेल पेंट के लिए यहाँ पर रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर ले सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके नेल के अंदर जो नेल पेंट होती है ना, आप जब लगाओगे तो आपको यहाँ पर लगाना है ऊपर ऊपर, और जो आपकी जो नेल होती है, जो लंबी नेल होती है, उस पर भी आप आउटर से अंदर से लगा सकते हो इनर करके। ठीक है, ऐसे पलट करके। इससे क्या होगा कि आपके जो नेल होंगे वो बच जाएंगे और आपके जो नेल हैं वो कलर नहीं होंगे, या तो फिर आप अपने नेल को कट कर सकते हो, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेल को नहीं कट करेंगे, तो उनके लिए ये हैक बहुत अच्छा है। ठीक है, और आप होली खेलने से पहले अपने हाथों को अच्छे से किसी ऑयल में थोड़ा सा डिप कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल को लगा सकते हो अपने पूरे नेल के अंदर। ठीक है, जैसे ये आपका जो नेल है इसके अंदर अंदर डाल लीजिए आप एक एक बूंद करके, और उसके बाद आप कलर खेलो, रंग खेलो, जो खेलना वो खेलो, ऑयल आपके अंदर नाखून के अंदर नहीं जाएगा और आपके जो नाखून है वो भी नहीं खराब होंगे, टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने शार्प कर लिया है, तो आपके जो नेल है वो किसी से रब नहीं होंगे, कपड़ों से काम करोगे आप तो किसी से रब नहीं होंगे, बहुत हड़बड़ी होती है बिकॉज होली के टाइम पे सबके यहाँ बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे आते हैं बट अभी मैं पंजाब में हूँ, हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत अच्छे से होली को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहते हो कि आपका जो फेस है बहुत अच्छा लगे और आप मॉर्निंग में होली खेलने जाओ तो आपको कोई ये ना कहे कि सो के उठ के आ गए, तो आपको क्या करना है, रात में आपको क्या करना है, आंखों पे लगाना है अपने काजल। ठीक है, और काजल लगाने के बाद से आपको मोटा मोटे काजल लगाना है, काजल लगाने के बाद से आप ऐसे ही सो जाइए, मॉर्निंग में उठकर अपने पानी, अपने फेस को दही से, बेसन से, फेस वॉश से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आपकी आंखों में हल्का हल्का काजल रह जाता है, वो काजल देखने में बहुत प्यारा लगता है, और मॉर्निंग में उठ के आप यहाँ पर लिप बाम लगा लीजिए या फिर कोई लाइट कलर की लिपस्टिक या फिर कोई रेड कलर की लिपस्टिक। इससे क्या होगा कि आप जब होली खेलोगे, आपके यहाँ जब गेस्ट आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा देखने में, बहुत सी ऐसी न्यूली मैरिड लड़कियाँ होंगी जिनका पहली बार होली का फेस्टिवल है तो उनको अच्छा तो दिखना ही है, तो बिना मेकअप के अच्छा कैसे दिखे ये जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट हैक है ये है मेकअप के ऊपर, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से मॉर्निंग में वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद से आपको लेना है यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब ग्लिसरीन, 1 टेबल स्पून के करीब एलोवेरा जेल, 1 टेबल स्पून के करीब स्वीट आलमंड ऑयल, इनको अच्छे से मिक्स करना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है लाइक आपका मॉइस्चराइजर, और उसके बाद से अपने फेस पे आप यहाँ पर लगाओगे चंदन का पाउडर। जी हाँ, चंदन का पाउडर, कोई भी टैल्क यूज नहीं करना है, चंदन के पाउडर से ही आपको यहाँ पर अपने इस मिक्सचर को, जो आपने मॉइस्चराइजर बनाया है DIY, उसको अच्छे से बेक करना है। ठीक है, अच्छा भी लगेगा देखने में, वो नेचुरल लगेगा, और यहाँ पर आपको लगाना है हल्का हल्का सा अपना कोई ब्लशर या फिर आप लिपस्टिक से भी लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद से आपको अपने आंखों पे काजल लगाना है हल्का सा, रात में ही लगा लीजिए इस काजल को, और उसके बाद से सुबह आप अपने मॉर्निंग में जो आपको मैंने मेकअप बताया है करने का वो आप कीजिए, और उसके बाद से मॉर्निंग में उठ के आप वो मेकअप कीजिए और लिपस्टिक आप अप्लाई कीजिए कोई भी रेड कलर की, और ये हो गया आपका मेकअप लुक होली खेलने के लिए। जिनकी भी नई नई शादी हुई है उनके लिए होली का बहुत अच्छा सा सिंपल सा मेकअप हो गया, कोई कहेगा ही नहीं कि आपने मेकअप किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। ठीक है, वो देखने में भी बहुत सुंदर सा लगता है बिकॉज मैंने ये चीज़ें अप्लाई करी हुई है। मैं आप लोग के साथ में पिक शेयर करूंगी अगर मुझे वो पिक मिलती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है कि हमारे बॉडी पे बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं जो लग जाते हैं और वो निकलते नहीं है, ठीक है ना। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है जब हम कलर को साबुन से धोते हैं, साफ करते हैं, या फिर हम बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको जिस भी पानी से शावर लेना है उस पानी में आपको डालना है अपना फिटकरी लेमन या फिर एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर अगर आप यूज़ करके नहाते हो, शावर लेते हो, तो आपके जो भी कलर होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, छू अंतर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डाल करके आपको अपने पानी में रख देना है, पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, 1 कैप के करीब एप्पल साइडर विनेगर डालना है। और नहाने से पहले, होली खेलने से पहले आपको करना क्या है, अपने पूरे बॉडी पे अच्छे से ऑयल की मसाज करनी है। ऑयल की मसाज कैसे करनी है वो बता देती हूँ। आपको लेना है यहाँ पर ऑलिव ऑयल, कोई और ऑयल नहीं लेना है, ऑलिव ऑयल लेना है, आपका बेस्ट ऑलिव ऑयल लेना है। 1 टेबल स्पून इसमें लेना है, 4 टेबल स्पून आप लीजिए ऑलिव ऑयल, ये आप बना लीजिए, अपने पूरे फैमिली मेंबर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बनाना कैसे है ये देख लेते हैं। 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, 2 टेबल स्पून के करीब स्वीट आलमंड ऑयल, ये आपके स्किन पे ग्लोई सा निखार देगा, चमकदार बनाएगा आपके स्किन को और ब्राइट करेगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून आपको यहाँ पर लेना है स्वीट आलमंड ऑयल, 1 टेबल स्पून आपको इसमें यहाँ पर लेना है आपका जूस, किसका, गेस कीजिए, नींबू का जूस, राइट। लेमन जूस लेना है, अच्छे से मिक्स करना है, अपने पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लेना है होली खेलने से पहले, ठीक है। और उसके बाद जब आप नहाओगे तो आपके बॉडी पे जो भी कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग को ये जो हैक्स है मेरे समझ में आए होंगे। तो मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देती हूँ, हेयर वॉश करने से पहले आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बालों को हेयर वॉश करोगे होली खेलने के बाद से, आपको नॉर्मल पानी से पहले अपने बालों को वॉश करना है, तब जाकर जब आपके बालों से सारा कलर निकल जाएगा, आपको जब हेयर वॉश करना है तब आपको कौन सा पानी यूज़ करना है ये भी जान लीजिए। आपको यहाँ पर ग्रीन टी का पानी बनाना है अपने बालों को, कलर वाले बालों को वॉश करने के लिए ग्रीन टी का पानी बनाना है। ग्रीन टी के पानी से आप पानी को अपने बालों को वॉश कीजिए, इससे आपके जो भी हार्मफुल केमिकल होंगे वो आपके स्कैल्प में सीधे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उनको कोई मतलब आपके जो हेयर हैं उसको नुकसान नहीं होगा, रूट्स पे नहीं जाएंगे वो, और आपके जो हेयर हैं वो ब्रेकआउट कम होंगे, टूटेंगे कम और उलझेंगे भी कम, ठीक है। ग्रीन टी का वाटर बनाना है, ग्रीन टी के वाटर बनाने के बाद से आपको इसी से अपने कलर लगे हुए बालों को वॉश करना है, देन आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है शैम्पू। शैम्पू में आपको मिलाना है 1 टेबल स्पून के करीब आपका एप्पल साइडर विनेगर, कोई भी एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो ऐड करना है शैम्पू में, और उसके बाद अपने बालों में आपको शैम्पू लगाना है, और शैम्पू लगाने के बाद से आप अपने बालों को देखिएगा, आपके बाल कितने सॉफ्ट, कितने सिल्की, कितने स्मूथ और कलर से फ्री हो जाएंगे कैसे करके, ठीक है। तो आशा करती हूँ मेरे ये हैक्स होली के अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए अपनी होली को, और मेरे साथ में अगर आप लोग को ये हैक अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग के साथ में मुँह से बोल करके हैक बताया है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग के साथ में हैक जो शेयर करूँ वो करके दिखाऊँ पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, तो मैं आप लोग के साथ में उसका जो प्रैक्टिकल है वो भी करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, होली है।